भारत का इतिहास त्याग, बलिदान और अटूट हौसले की मिसाल है और इस इतिहास का एक अहम हिस्सा है कांग्रेस। ये कांग्रेस साक्षी है उस समय के गौरवपूर्ण इतिहास की और उस इतिहास के सुनहरे पन्नों में इनका नाम गांधी परिवार की बहू बनने के साथ ही दर्ज हो गया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी की। वही सोनिया जिन्होंने एक के बाद एक देश के लिए होती कुर्बानियां देखी और ये कुर्बानियां किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं के परिवार के सदस्यों की थी, जिसमें उनका हमसफर भी शामिल था। वही सोनिया जो कभी ना चाहते हुए भी राजनीति का हिस्सा बन गई, क्योंकि वो देश की जनता ही थी जिसने उन्हें सत्ता की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। वो देश की जनता ही थी जिसकी आवाज़ को सोनिया ने हर बार बुलंद किया और वो भी देश ही की जनता थी जिसके लिए सोनिया डटी रही और विपक्ष के हर हमले का, हर कटाक्ष का जमकर जवाब दिया। पांच पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले गांधी परिवार के सदस्य होने के बावजूद उन्होंने कभी भी किसी पद का लालच नहीं किया। उनका लक्ष्य बस एक ही था और वो था पार्टी और देश की सेवा। लेकिन 18 मई 2004 को पूरे देश के सामने वो ऐलान हुआ, एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सत्ता के नुमाइंदों के साथ साथ पूरे देश की जनता को हिलाकर रख दिया। 10 साल बाद चुनाव जीतकर सत्ता में कांग्रेस की वापसी होने वाली थी। सब सोनिया गांधी को देश की प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन सोनिया ने खुद को पीएम पद से अलग कर लिया। उस दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ देश की जनता की आंखें भी छलक रही थीं, लेकिन सोनिया ने सुनी अपनी अंतरात्मा की आवाज और पीएम का ताज सजा दिया मनमोहन सिंह के माथे पर और सोनिया गांधी निकल गई अपने परिवार की पारंपरिक परंपरा को निभाने, जो परंपरा थी त्याग की, सेवा की, बलिदान की। ये वो मार्ग था जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दर्शाया था और उनके इस एक फैसले ने न सिर्फ जनता के दिलों में उनके लिए सम्मान बढ़ाया बल्कि उन्हें शिखर पर बैठा दिया और उनके इसी सेवा भाव, इसी जुनून और हौसले की दाद देते हुए लिविंग इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम उन्हें तहे दिल से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती है।